हेलो क्लास 10 के सभी स्टूडेंट्स, और ये टॉपिक अगर पढ़ना चाहें तो कंपटीशन क्लास वाले भी पढ़ सकते हैं, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री वहाँ पे भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो बेसिक क्लियर हो जाएगा उनका इससे। देखिए, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि साइन कॉस टेन कॉट सेक, ये छह फलन के मान हमने पढ़े थे। इसके संदर्भ में ये जो त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, उसकी तीनों भुजाओं में से किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात के रूप में हमने इनके मान निकालना सीखा था। ठीक है, तो अब बात करते हैं, उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था टेबल बनाने का क्रम, साइन और कॉस में टेबल बनाने तक सीख लिया था। तो लाल वटे कक्का के अनुसार यही होता है, लाल वटे कक्का लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब। देखिए, साइन थीटा ये हो गया, कॉस थीटा ये हो गया। अगर मैं क्या करता हूँ, टेन थीटा को देख लिया, लंब और आधार दोनों में कर्ण का भाग दे दूं, लंब में कर्ण का भाग दे दिया और आधार में कर्ण का भाग दे दिया, दोनों में अंश और हर दोनों में मैंने क्या किया, कर्ण का भाग दे दिया। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा। आधार वटीकरण क्या होता है, कॉस थीटा। तो मैं टेन थीटा बनाकर क्या लिखता हूं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो ये भी क्या माना जाएगा, बिल्कुल सही माना जाएगा आपका। ठीक है, सेम मैं यहां पर करता हूं, आधार और लंब में कर्ण का भाग दे दूं, यानी आधार वटीकरण और लंब बटे कर्ण का। तो आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा, और लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। यही होता है, ये देखिए इसका जस्ट उल्टा है। तो मैं क्या कह सकता हूं, कॉस थीटा बराबर 1/10 थीटा, और ये इसका उल्टा है, तो मैं टेन थीटा बराबर क्या लिख सकता हूं, 1/cot थीटा लिख सकता हूं। ठीक है, लिख सकता हूं। अब मैं क्या करता हूं कि इस कर्ण को आधार के बटे में पहुंचा देता हूं, आधार बटे कर्ण, क्योंकि ये नीचे से ऊपर पहुंच जाएगा। तो आधार बटे कर्ण क्या होता है, cos थीटा, यानी 1/cos थीटा। sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा। तो अगर मैं बात करूं cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/sec थीटा हो जाएगा। ऐसे ही cosec थीटा, मैं क्या करता हूं, इस कर्ण को लंब के बटे में पहुंचा देता हूं। लंब बटे कर्ण क्या होता था, sin थीटा होता था। तो 1/sin थीटा। ऐसे ही अगर मैं यहां लिखना चाहूं तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cosec। ये सब बनाना हम सीखेंगे अलग से, टेंशन मत लीजिए। फॉर्मूले हम लिखेंगे किस तरीके से होते हैं फॉर्मूले भी, लेकिन अभी फिलहाल आपको ध्यान किस पे देना है, टैन और कॉट पे, सेक और कोसेक पे। कि टैन बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा। ठीक है, कल वाले टेबल पे वापस आइए। हमने साइन की टेबल बनाई हुई थी, कॉस की टेबल बनाई हुई थी, तरीका मैंने कल बताया है, वहां से देखिएगा। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 0 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 तक जा रहा है। 0 में कितना हो जाएगा, 0, 1/2, 1/√2, 3/√2 और 1, यहाँ कितना हो जाएगा, 1 दिख रहा है ना, दिख रहा है, चलिए 1, 3/√2, 1/√2,
एक बटे दो और जीरो। अब बात आती है टेन थीटा की। टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अभी हमने देखा था टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकता हूँ। तो देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा जीरो बटे एक, जीरो होता है, एक बटे अंडर रूट तीन हो जाएगा, एक हो जाएगा और अंडर रूट तीन हो जाएगा, और इसे कहते हैं अपरिभाषित। ठीक है, अनंत नहीं कहेंगे इसको, अपरिभाषित। ठीक है, कॉट थीटा। तो देखिए साइन का उल्टा हमने कॉस में किया था टेबल को, ऐसे ही टेन का उल्टा कॉट में कर दीजिए, उधर से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा? अपरिभाषित, यहाँ पे अंडर रूट तीन, यहाँ पर वन, वन अपॉन रूट थ्री एंड जीरो। सेक थीटा मैंने अभी देखा था, सेक थीटा बराबर क्या था? वन अपॉन कॉस थीटा था। सेक थीटा बराबर क्या था? वन अपॉन कॉस थीटा था। वन अपॉन कॉस थीटा देखिए, वन अपॉन वन वन, टू बाई रूट थ्री, रूट टू टू और अनंत या फिर इन्फिनिटी। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इसका उल्टा कर दीजिए, इन्फिनिटी यहाँ आ जाएगा, टू रूट टू, टू बाई रूट थ्री एंड जी, सॉरी ये क्या कह रहे। ये है टेबल। ठीक है, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री एडवांस तक करा देता हूँ, ठीक है ना, टेंथ क्लास। आप लोग जहां तक भी पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री वहां पे आपको ये काम आएगा। ओके, देखिए बुक के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना, सारे बुक के क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन अभी बेसिक क्लियर कर लीजिए पहले। अब बात आती है कुछ फॉर्मूले पढ़ लिए जाए, ठीक है। फॉर्मूले पढ़ने के लिए जैसे सबसे पहले एक फॉर्मूला मैं बना के लिखता हूँ, ए बी सी, ये लंब है, ये आधार और ये कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय से मैं जानता हूं समकोण त्रिभुज में क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। अब मैं क्या कर देता हूं, कर्ण का भाग दे देता हूं इधर दोनों पक्षों में, दोनों तरफ, ए स्क्वायर से भाग देने पर, तो एल स्क्वायर बटे के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे के स्क्वायर बराबर के स्क्वायर बटे के स्क्वायर। एल बटे के यानी लंब बटे कर्ण क्या होता है आपका? साइन थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, हमेशा याद रखिएगा स्क्वायर जब भी लगाते हैं तब यहाँ आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आधार बटे कर्ण क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा होता है यानी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया बराबर वन। पहला फॉर्मूला ये है आपका।
सारे फॉर्मूले जितने भी बनेंगे ना, वो सारे के सारे फॉर्मूले बुझाओं से अनुपात से ही बनेंगे आपके, ठीक है। तो पहले उन फॉर्मूलों को ड्राइव करने की कोशिश कीजिए, व्युत्पन्न करने की कोशिश कीजिए, उसके पश्चात आपको वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला था। एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर। एक होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से और फॉर्मूले बनाना चाहे तो वो भी बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कॉस स्क्वायर का मान निकालना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये ऐसे ही। यहाँ से टेन स्क्वायर का मान निकालना है, मान लीजिए तो sec स्क्वायर थीटा माइनस वन। cot स्क्वायर का मान निकालना है, मान लीजिए तो sec स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है। दूसरा है सभी के नाम पर। ये रही इन फॉर्मूलों की बात। अब कुछ एक फॉर्मूले और देख लेते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, ठीक है। और देखिए अगर मैं इसको इससे गुणा कर दूं, साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण इंटू कर्ण बटे लंब, कर्ण से कर्ण कट गया, लंब से लंब बराबर एक। पहला फॉर्मूला साइन थीटा और कोसेक थीटा का गुणा कितना होता है, एक होता है। अगर आपको साइन थीटा का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा भाग में चला जाएगा। अगर आपको कोसेक थीटा का मान निकालना है तो साइन थीटा भाग में चला जाएगा, क्लियर। सेम इसको इससे गुणा कर दें तो एक हो जाएगा, कॉस थीटा डॉट सेक थीटा बराबर एक। ऐसे ही इन दोनों को आपस में गुणा कर दें तो टेन थीटा डॉट कॉट थीटा बराबर एक। ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, लिखने हैं, प्रैक्टिस करनी है, डिराइव कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। ओके, आज के लिए इतना ही काफी। नमस्कार।